1929 की आखिरी महीने की आखिरी तारीख, लाहौर का रावी नदी का तट, कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन। एक साल से कांग्रेस में यह चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस का उद्देश्य डोमिनियन स्टेटस हो या कंप्लीट इंडिपेंडेंस हो, संस्थानिक स्वराज हो या मुकम्मल आजादी हो। पिता मोतीलाल नेहरू का यह आग्रह था कि डोमिनियन स्टेटस इतने से संतोष हो। पुत्र जवाहरलाल नेहरू का उससे समाधान नहीं था, वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस के पक्ष में थे। 28 की कांग्रेस कलकत्ता में जब हुई, मोतीलाल जी अध्यक्ष थे और मोतीलाल जी ने आग्रह पूर्वक गांधी से कहा था कि हमारा ये झगड़ा आपको निपटाना पड़ेगा, और गांधी ने इस प्रकार से उसे निपटाया था कि एक साल तक आजादी के आंदोलन के लिए हम लोग तैयारी करें, तब तक डोमिनियन स्टेटस उद्देश्य रखें, 31 दिसंबर 1929 के बाद यदि स्वीकार न हो तो फिर हम मुकम्मल आजादी का झंडा फहराएंगे। और वो मुकम्मल आजादी का झंडा फहराया गया रावी के तट पर, और उस प्रस्ताव में ये कहा कि उसके लिए राष्ट्रीय आंदोलन चलाने का और उसका कार्यक्रम कैसे चलाना, इसका सारा निर्णय गांधी को सुपुर्द होगा। अखबार वाले गांधी के पीछे पड़े, उन्होंने कहा आपको तो डिक्टेटर बनाया गया है, आप ही निर्णय करने वाले हैं, तो बताइए अब राष्ट्रीय आंदोलन कैसे छेड़ेंगे। गांधी ने कहा मैं तीव्रता से प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे जरूर कुछ सूझेगा और जब मैं सूझेगा तब मैं जरूर कहूंगा। किस प्रकार से आंदोलन करना है अभी मुझे सूझा नहीं है। कुछ शाहने संपादकों ने लिखा कि गांधी बड़ा चतुर है, अंग्रेजों को यह बताना नहीं चाहता है कि किस प्रकार से आंदोलन करना है, इसलिए सस्पेंस में रखा है और कहते हैं मुझे मालूम नहीं है। तैयार तो उसके मन में बिल्कुल पक्का होगा लेकिन वो कहता नहीं है। ये छप भी गया तो गांधी जी ने सिर्फ एक ही वाक्य लिखा, ट्रूथ इज माई ओनली डिप्लोमेसी। मेरी मुत्सद्दीगिरी अगर हो तो सत्य की है, सत्य के सिवा में और कोई मुत्सद्दीगिरी जानता नहीं। जैसे ही मुझे सूझेगा मैं जरूर कहूंगा, अभी तक सूझा नहीं है। फरवरी के आरंभ में रविन्द्रनाथ टागोर अहमदाबाद अपने भाई के पास आए थे, वहां से साबरमती के आश्रम में आए। रविन्द्रनाथ ने कहा महात्मा जी आपको तो कार्यक्रम का नेता चुना गया है, अब क्या कार्यक्रम सुझाने वाले हैं। गुरुदेव मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे सूझ जाएगा, अब मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत थोड़े ही समय में मुझे कार्यक्रम सूझेगा, लेकिन अभी तक ठीक ठीक सूझा नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं। गुरुदेव को समाधान था, उनको विश्वास था कि वो अगर ये कहते हैं तो वैसा ही होगा। 11 फरवरी को चिट्ठी लिखी वाइसराय के नाम से, जब तक मैं उनको सूझ गया था, और उसमें गांधी का लाघव एक बहुत बड़ा गुण था, ब्रेविटी। छोटे छोटे पत्र लिखना इनका बहुत बड़ा गुण, लेकिन ये काफी लंबा पत्र, और ये कहा कि आपने अभी तक कहा था कि डोमिनियन स्टेटस देने का तो हमारा भी इरादा है, लेकिन आपका इरादा है ये सिद्ध करने के लिए भी आपको कुछ चीजें तो आचरण में रखनी चाहिए, तो मैं आपको समझाता हूं कि इतना इतना अगर आप करेंगे तो हम समझेंगे कि हाँ आपका सचमुच में दानत है कुछ न कुछ देश को आजादी दिलाने की। तो उसके लिए उन्होंने 11 मुद्दे रखे कि अगर आप ये करेंगे, अगर आप ये करेंगे, अगर आप ये करेंगे तो हम समझेंगे कि हाँ आपका इरादा है। इनमें से अधिकांश कार्यक्रम आर्थिक थे, कुछ प्रशासनिक थे। उदाहरण के लिए एक कार्यक्रम उन्होंने उसके लिए सुझाया था
समझेंगे कि आप देश को आजादी दिलाने की दिशा में जा रहे हैं। और जब लंबी चिट्ठी थी इसलिए फिर उस पर गया उदाहरण उदाहरण आपका वेतन। अब बड़े अधिकारी ना उनके बड़ा अधिकारी कोई था नहीं और उन दिनों उनका 21,000 रुपया का जो वेतन था वो